कि भैया हम गोटा नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो हम गोटा नहीं छोड़े। हम थाना हो गए, लोगों ने कह भी दिया कि टिकट इनको दे दी, यही जीत सकते हैं भागलपुर। ऊपर से भी फाइनल हो गए, लेकिन इनसे बहुत प्यार करते हैं सब। लालू जी भी हमारे नेता हमेशा बेटे की तरह देखते, और मैं समझता हूं 84-83 से झारखंड में। देखिए दो बात मैं कह के जा रहा हूं, भाजपा को क्यों वोट नहीं देना चाहिए और महागठबंधन को वोट क्यों देना चाहिए, याद रखिए। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहले, एक तो इनको ना इतिहास का पता ना भूगोल का पता है, तालीमत मिलेगी। 17 लाख पूरी दुनिया में रोहिंगी है, 17 लाख माफ। और ये रोहिंगी कौन है? ये चाइनीज है नहीं, आ लोग है नहीं। 184 करोड़ पर ये रोहिंगी की बात करता है, 17 लाख, और हमारी आबादी है 140। 140 में और पूरे वर्ल्ड में 17 लाख, 11 साल नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहिए, जब हम क्वेश्चन किए थे तो उन्होंने कहा कि घुसपैठ बहुत कम है, मेरे पास जवाब है 17 लाख। अब आप हमको बताइए 17 लाख पर 184 करोड़ से सिर्फ दूसरी बात नहीं, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। तीसरी बात नहीं, 5 मुख्यमंत्री बीजेपी, इन्होंने कैसे मारा बीजेपी को, आदिवासी को मैं वो समझता हूँ और यहाँ के गरीब को। ये सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान के नहीं है, ओबीसी के, ईबीसी के हैं, एसटी के हैं, एससी के, सारे 17% एससी मुसलमान को ये नफरत जरूर पैदा करेंगे, कोरोना में थूक फेंकवा देंगे मुसलमान के सब्जी के दुकान पे, लेकिन साहब को कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जमात को ये जो जानता है दुनिया, उसके व्यवहार में उसकी जिंदगी कैसे बचाई थी, वही साहब पाकिस्तान में वो कुछ नहीं बिगाड़ते। वह कभी यही संथाल प्रगना आदिवासी समाज के लोगों ने अंग्रेज को तीर धनुष से भगा दिया था, और अब ये दूसरा अंग्रेज आया है जिसको संविधान से भगा देना है, तीर धनुष की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, खाली मत बजे उससे। एक भैया भैया, अब आइए आदिवासी के दुश्मन, बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री, लड़ाई लड़े गुरुजी शिबू सोरेन जी, लड़ते लड़ते यहाँ के लोगों ने, आदिवासियों ने कुर्बानी दी, तब जाके गुरुजी और लालू यादव जी ने मिलकर झारखंड बनाने का निर्णय लिया। हम लोग लंबी लड़ाई गए, झारखंड बना, कुर्बानी हुई, हम लोग जेल गए गुरुजी के साथ, बहुत रोते थे तिहार जेल में, हम और गुरुजी एक ही रूम में, इतनी तकलीफ दिया करता था ये लोग, मैं वो दिन याद नहीं करना चाहता, कितनी तकलीफ थी। अब आप समझिए, बाबूलाल मरांडी को इन्होंने कहा कि ये छोर है, उसको भी आता है, मरांडी गया, तब मुंडा आया, मुंडा को बोला इसको भी हटाओ, ये भी छोर है, तो आदिवासी का दूसरा फैक्शन चला गया। तब कांग्रेस ने कोरा को बनाया, तब वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, वो छोर नहीं थे, बाद में इन्होंने कोरा को छोर बना के जेल भेज दिया, कोरा भी गया। तब चंपे सोरेन एक ऐसा इंसान है, हाँ बाद में चंपे सोरेन अपनी पत्नी को नहीं मिला, अपने भाई को नहीं मिला, उन्होंने शिवू जी के सेवक को मिला, इतनी गद्दारी उसने की, जितना गद्दारी हमको बीजेपी से मिल, मैं अभी उसके बारे में ऊपर नहीं बोलूंगा, उन्होंने क्या क्या कुकर्म नहीं किए। मैं जानता हूं मैडम को गांधी में हराने के लिए चंपे सोरेन ने चुनाव आयोग से मिलकर कलेक्टर बदल, एसपी बदल कर, और हेमंत जी से पूछा तक भी, और जो बीजेपी जिसको कहा उसको दे दिया। मैडम को हराने के लिए चंपे सोरेन इतने भीतर घात किए, इसको कभी आदिवासी का इतिहास लिखा जाएगा तो चंपे को माफ नहीं करे, उसी तालीमत हो जाए। उसी तरह एक दशरथ जैसा पिता सीता को सबसे ज्यादा सलाम, कभी हेमंत जी ने अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं लाया,
सीता को आगे रखा। ये कब तक दुष्टता करता है बीजेपी के बारे में जानिए। बीजेपी आपका नहीं है और ना आपके लिए बीजेपी जी सकता। पांचों मुख्यमंत्री को इसने बर्बाद कर दिया, आदिवासी के हाथ को मिटा दे। अब आइए सबसे बड़का चोर, क्या नाम है सबसे बड़का चोर का, क्या नाम? रघुवर दास। रघुवर दास कहां से आए? उड़ीसा से। और उसने जमशेदपुर को बर्बाद कर दिया। झारखंड बनी तो ईसीसी की फैक्ट्री बंद कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। लगभग 23% चीजें बंद हो गई। 2017 में रघुवर दास ने क्या किया सुनिए इसकी कहानी। उन्होंने लोकल लोगों की जमीन को बाहरी लोगों देने के लिए एक बिल लिया है, लोकल लोगों की जमीन बेचने के लिए। ये कैसे दुश्मन है मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा कि लोकल लोगों में आदिवासी हो या जिस जात के हो, 32-33 के खतियान से जो भी लोग यहाँ थे, चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, इन्होंने एक बिल लाया और वो बिल अभी जो राष्ट्रपति है उन्होंने वापस कर दिया। वो बिल यदि लागू हो गया होता तो आज आपकी स्थिति और भी बुरी हो जाती। तो ये तब भी हमला किया। अब आइए आप पांच मुख्यमंत्री चले गए। रघुवर दास ने टाटा को कितना बर्बाद किया याद कीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी 2009 में उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया रांची की, एक आयन दिया, जिंदल की एक फैक्ट्री दी। जब 11 साल हमारे बाबू नरेंद्र मोदी जी है ना, तो आयन दिया ना तो आईटी दी ना तो इंजीनियरिंग दिया ना यहाँ की रॉयल्टी दी, 1,36,000 करोड़ रुपया वो रख लिया। हेमंत जी को बर्बाने में कोई कसर बाकी नहीं, आप उसको जान लीजिए, कोई कसर बाकी नहीं रखती। हेमंत जी को मार देता, मरवा देता, आप जानिए। वो बचे कैसे उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, पूरी साजिश थी, बेल हो गई, भगवान की कृपा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, अन्यथा हेमंत जी आपके बीच नहीं होते। हेमंत जी ने कभी किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं की। 52% फैक्ट्री यहाँ की बंद हो गई, लगभग 84% खदान यहाँ का बंद हो गया, लगभग 87% लोहा अदानी अमानी, आप जानिए, इसको जानना पड़ेगा सारी चीजों को। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में अदानी अजीत पवार को बच लिया, क्यों? हम जब सरकार गिरा रहे थे तो अदानी भी मेरे साथ बैठे। ये अदानी जैसा आदमी क्या चाहता है, क्यों चाहता है सरकार अपना? इसलिए चाहता है, वो चाहता है कि आदिवासी और पिछड़ों के अस्तित्व को मिटा दे। वो चाहता है जल जंगल जमीन पे कब्जा, वो चाहता है बिजली पे कब्जा, वो चाहता है पानी पे कब्जा, वो चाहता है आपकी संपत्ति पे कब्जा, वो चाहता है आपकी जिंदगी को तबाह कर देना। नरेंद्र मोदी उसमें फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी जी जब आए तो 11 सालों में उन्होंने सबसे खतरनाक खेल क्या किया, बैकवर्ड का ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पंडित कहा कुमार निशान मला केवट की बात कर रहा हूं, मैं जाधव की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं शाह चौधरी जोड़ा तुला कमार पासवान की। आते ही उन्होंने सात वैकेंसी बंद कर दी, पहला रेलवे, दूसरा बैंकिंग, तीसरा सारी चीज, LIC में सबसे ज्यादा पैसा 33,00,000 करोड़ रुपया, ओबीसी और बैकवर्ड का सब अदानी को दे दिया, वैकेंसी बंद कर दी, छोड़ दीजिए जाधव के बच्चे, एक भी जात का नौजवान वैकेंसी एग्जाम देना बंद कर दिया, एक भी एग्जाम नहीं हुए, 18,000 मात्र 11 साल में उसने नौकरी दी, छोटी नौकरी, हाँ 1 साल में 2 करोड़ देना था। अब आइए आरक्षण कैसे खत्म किया मैं वो बताता हूं, मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं, आरक्षण खत्म किया उसने, नौकरी को उसने प्राइवेट कर दिया और उसने सरकारी नौकरी को खत्म कर दिया। जो नौकरी प्राइवेट हुई जब उसमें पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू मुनिया, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू कहा, पप्पू कुमार, पप्पू चमार, पप्पू ढोंग, पप्पू आदिवासी, पप्पू शाह, पप्पू चौधरी, पप्पू तलवार, पप्पू तलवार का बेटा का नौकरी बंद हो गया। अब अदानी तय करेगा, RSS बैठेगा, वो तय करेगा कि किसके बेटे का नौकरी होगा, किसके बेटे का नौकरी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मुसलमान के दुश्मन नहीं है, मुसलमान 18 करोड़ माँ इधर 18 करोड़ क्या करेगा, आपसे लड़ेगा? हमारा गांव में 1200 जाधव है, 100 दूसरा जाति,
वो एक सौ वाला ज्यादा रहेगा हमसे, लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। मुसलमान आपसे कभी नहीं लड़े, ना वो लड़ता है, ना वो दलित लड़ेगा। ये इसकी गंदी हरकत है पिछड़ों को समाप्त कर देने, इसकी गंदी हरकत है मेरे नस्ल को खत्म कर देने, मेरे बच्चों की जिंदगी छीन लेने। आप इसको समझिए, जब ये चुनाव होता है आप अंतिम में आते हैं, ठीक है घुसपैठी हो गई, मोदी जी बांग्लादेश कहा, पाकिस्तान कहा, झारखंड कहा, घुसपैठ बांग्लादेश से होगा, कहां से होगा, कहां से होगा, तो झारखंड में कहां से आ गया, और झारखंड में आ भी गया तो हेमंत भाई के पहले 5 साल रघुवरदास से सब चुनाव, 23 साल आप राज किए और 56 इंच का सीना 11 साल आपका है। तो यदि आप एक तो घुसपैठी का नाम नहीं बता पाए तो चूर्ण भर पानी में डूबते मत क्यों नहीं जाते हैं, आपको जल्दी नौकरी करिए। और यहाँ बड़का शेर सा बात कर रही, इस संसार में कभी भी किसी जात ने किसी को गाली नहीं दी। एक कॉरपोरेट आया है इस इलाके में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सो बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, वो कहता है कभी कहता है जाधव का इतिहास, कभी कहता है पिछड़ा ही जो गरीब हमारा 19 में पैर धो के पी रहा था हम भगवान बन गए। अरे बाप मेरे, तू तो सुदामा और कृष्ण का इतिहास ही नहीं जानते हो, तो जब यही दिल्ली वाला इतिहास भूगोल नहीं जानता है कि कहां से घुसपैठी आएगा क्या आया, तो तुम क्या जानोगे। अनुकंपा पर जीने वाला ये लोग है, इसको पता ही नहीं है सुदामा और कृष्ण का रिश्ता पूरी दुनिया का विराट संगम किया था, और ये नफरत पैदा करता है इन लोगों के लिए। आप चिंता मत कीजिए, अकेला दिल्ली में पप्पू यादव सब पीएम से लेके इन लोगों के बाप दादा पर भारी है, आप घबराइए नहीं। मैं इन लोगों को कोई चलने टलने नहीं देता हूं सदन के भीतर, ना इन लोगों के पास कोई ज्ञान, ये लोग अक्षर कटुआ है, लिख लो रहा पर पत्थर, इन लोगों को कुछ नहीं आता, इसलिए ना कोई ज्ञान है ना कुछ है, क्या देगा नहीं देगा इसकी चिंता नहीं करी। ये सिर्फ हिंदू मियां करना जानता है, नफरत पैदा करना जानता है, और यह आपका सेवक यहाँ है, सेवक आपको सब कुछ दिया। हर कांग्रेस के डीजल में 450 रुपया में गैस सिलेंडर है, 400 रुपया सिलेंडर आपको ये 1300 में देता है, 1300 में 40 लाख करोड़ रुपया पेंशन में दिया। राहुल गांधी जी ने कह दिया सब कुछ फ्री, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, कैंसर, किडनी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच सबका फ्री, जनवरी से सबका फ्री। कोई दुनिया में जितना कांग्रेस की सरकार रखी 3000 महिलाओं को, हमारे हेमंत भाई ने कहा कि 2000 हम शुरू कर देंगे। अब आप हमको बताइए 200 यूनिट बिजली, इन्होंने कहा कि हम बीमा देंगे कृषि को, राहुल गांधी ने कहा 2 लाख रुपया माफ, उन्होंने माफ कर दिया, हेमंत ने कहा माफ कर दिया, उसमें आदिवासी नहीं था, उसमें मुसलमान नहीं था, उसमें जाधव नहीं था, उसमें सब जात के लोग थे। बिजली सब जात को मिलेगा, चाहे ऊंची जात के लोग हो चाहे जिस जात के लोग हो, माफ सभी गरीब के महिलाओं को मिलेगा। ये चौकीदार कितना गंदा है, और हम दो दो पहरेदार हैं बेटा, यहां चिंता मत करें, हम हैं इस चौकीदार को एक के पहरेदार काफी है, समझ गए ना। हेमंत अच्छा कि बीजेपी अच्छा, कांग्रेस अच्छा, राहुल अच्छा कि मोदी अच्छा, गठबंधन अच्छा कि एनडीए अच्छा। मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि मैं आपका मजदूर हूं बेटे की तरह, बहुत सारी बातें होती चुकी आगे सवाल है, मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगा, आप मेरे भाई को दिल से मैं भीख मांगने आया, जात पात मत करना। मैं कोरोना में पूरी दुनिया की मदद की, किसी से जात नहीं पूछा, मैं पूरी दुनिया के बाढ़ में मदद करता हूं, किसी से जात नहीं पूछता। मैं हर दिन मैं 20-25 लाख रुपए दुनिया की मदद करता हूं, जाधव नहीं होता है, दूसरे जात के लोग होते हैं। पटना में 11 दिन सोए नहीं,